गाजीपुर उसिया के ग्रामीणों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में निकाला शांतिपूर्व जुलूस। हजारों की संख्या में जुलूस में हुए शामिल। शांतिपूर्व तरीके से मनाया गया आंदोलन। जिला गाजीपुर उसिया ग्राम से संदीप शर्मा व मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। आंदोलन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अपना नाम बताइए सर। परवेज खान। आज उसिया गांव में CAA और NRC को लेके एक प्रोटेस्ट निकाला गया है और लगभग 10 दिनों के बिल पास हुए। पूरे दुनिया में इसका विरोध हो रहा है लेकिन सरकार करे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि सरकार खुद गुमराह है। शायद सरकार के मिनिस्टर ने संविधान सही से नहीं पढ़ा। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और दुनिया में जितने सेकुलर मुल्क हैं कहीं भी मजहब के नाम पे सिटीजनशिप नहीं। हमारी डिमांड ये है कि मजहब के नाम पे सिटीजनशिप ना हो। आप कोई और क्राइटेरिया है, सिटीजनशिप चार्टर जो आपका 1955 का बना हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? और एहतजाज जो है हमारा इसी बात का है, जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको वापस लिया जाए। आप देखिए पूरे दुनिया में, जो US में, इंग्लैंड में, हर जगह हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है इसके खिलाफ हैं, रामचंद्र गुहा जैसे लोग इसके खिलाफ हैं, जो दुनिया का इतिहास जानते हैं। आखिर क्यों सरकार इसको वापस नहीं ले रही? लेकिन वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ये जो NRC है नहीं किया जाएगा, इसमें सबको शामिल किया जाएगा। अभी कहाँ शामिल, जिस दिन धर्म के नाम पर नहीं शामिल किया जाएगा प्रोटेस्ट अपने आप बंद हो जाएगा। आप आसाम में देखिए 19 लाख लोगों को NRC में लिया गया, जिसमें 13 लाख लोगों को वापस ले रही है सरकार और 6 लाख लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, उनको डिटेंशन सेंटर भेज रही है। जो प्रोटेस्ट में कहीं कहीं वायलेंस भी हो रहा है। नहीं, हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था और हम जो है एकदम जो डेमोक्रेटिक वे है प्रोटेस्ट का उसमें हम कर रहे थे। हमारा कहीं भी कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की हमारे यहाँ कोई खबर नहीं है और ना हमारे लोग जो है कई सड़कों पे आए हैं। हमने एक SDM साहब को ज्ञापन दिया बहुत ही पीसफुल तरीके से और प्रोटेस्ट भी खत्म। ओके सर, थैंक यू। चला गया है और 144 लगा, सरकार आदेश नहीं दे रही, फिर भी निकाला गया है। आप जी, ये प्रोटेस्ट जो है मुल्क की जो इत्तेहाद को, मिल्लत को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क की शान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे है और तमाम आज़ादी की जंग, ये तमाम कौम और तमाम फिरकों से आज़ादी हासिल है और इस आज़ादी को अगर कोई हुकूमत या कोई दुनिया की ताकत अगर हमारे मुल्क के इत्तेहाद पर, इत्तेफाक पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर भड़काने की कोशिश करेगी तो हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के उसको रोकेंगे और मुल्क की उन्नति और तरक्की के लिए हमेशा गामजन रहे हैं और रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जो कानून बना है उसको वापस नहीं किया जाएगा और NRC भी लागू नहीं किया जाएगा। तो अवाम ये कह रही है, हिंदुस्तान की अवाम ये कह रही है, हमारे मुल्क की अवाम ये कह रही है कि हम हमेशा अपनी जान भी देना होगा तो देंगे मगर अपने मुल्क को मटने नहीं देंगे। गवर्नमेंट की बात अपनी तरफ है, अवाम की बात अपनी तरफ है। और 19 में 13 अप्रैल को उस तरीके से अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लाके हम हिंदुस्तानियों को पकड़ने और जकड़ने का काम किया था, लेकिन इस देश के गांधी ने एक तरफ खड़े होकर उस कानून का विरोध किया था। आज हिंदुस्तान के तमाम हजारों करोड़ों गांधीवादी लोग खड़े होकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक यह कानून वापस नहीं ले लिया जाता। सर, दिलाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसिया ग्राम में आज शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और प्रशासन की काफी सराहनीय प्रयास से शांतिपूर्वक हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे?
ये गांव के कुछ लोगों को सूचना मिली थी कि ये अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, उसकी अनुमति दी नहीं गई थी, उसी के तहत पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध किया गया था। तो गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने सुबह ही अपना ज्ञापन दे दिया और शांतिपूर्वक चले गए। किसी तरह की कोई अनावश्यक न उन्होंने नारेबाजी की, न किसी तरह का जुलूस निकाला और ये प्रकरण शांत हो गया है। शांति व्यवस्था के तहत हम लोग अभी यहाँ सुरक्षा ड्यूटी लगाए हुए हैं। इधर और पूरा कहीं एरिया से इलाका से कोई ऐसा अप्रिय घटना गाजीपुर में कहीं से कोई सूचना नहीं? ठीक है सर, थैंक यू।